डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू डिजाइन अ सिंक्रोनस काउंटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटर्स की। ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, टाइप्स ऑफ काउंटर के बारे में बता चुका हूँ, तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक करके आना ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता लगे कि सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं। तो सजेस्टेड वीडियो में इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू डिजाइन अ सिंक्रोनस काउंटर। और उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हमने यहां पे स्टेट्स को पहले डिफाइन करना है। जैसे मेरा स्टार्टिंग की स्टेट क्या है, जीरो। जीरो के बाद हम लोग पहुंचेंगे वन पे, वन के बाद हम लोग पहुंचेंगे थ्री पे, और फिर हम पहुंचेंगे टू पे, और टू के बाद हम लोग वापिस जाएंगे जीरो पे। ठीक है, मतलब हमें इस तरीके से कोई ना कोई सीक्वेंस दिया होगा कि हमारा काउंटर जो है वो कैसे काउंट करेगा। मतलब जीरो पे, जीरो के बाद वन पे, वन के बाद थ्री पे, टू पे, और फिर जीरो पे। तो पहली बात, हम डिजाइन कर रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर। तो आपको पता है कि सिंक्रोनस काउंटर में इस तरीके का जंप पॉसिबल है। मतलब एसिंक्रोनस में तो हम जंप नहीं लगा सकते। जंप मतलब जैसे यहां पे वन से हम थ्री पे चले गए सीधा, ठीक है ना। तो यह चीज पॉसिबल है सिंक्रोनस के अंदर। तो यहां पर दूसरी चीज हमें यहां पर क्या ध्यान में रखनी है कि इस सीक्वेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप जो है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेना पड़ेगा। तो आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले सकते हो, जेके, एसआर, डी और टी, चारों में से कोई भी। हम कौन सा ले रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे आपको पता करनी है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स देखो यहां पे डिफरेंट स्टेट्स कितनी है। एक तो जीरो है, एक वन है, एक टू और थ्री, मतलब यहां पे चार डिफरेंट स्टेट है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता करना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तीन। अब तीन को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन वन। तो यानी दो बिट से हमारा काम चल जाएगा, और एक बिट एक फ्लिप फ्लॉप, तो यानी दो बिट दो फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो चारों कॉम्बिनेशन भी बन जाएंगे, मैक्सिमम नंबर भी हमारा जो है उसके अंदर सेटल हो जाएगा। तो यानी कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, दो फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यानी दो डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे और इस काउंटर को डिजाइन करेंगे। मतलब इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें पता है कि यार मेरी प्रेजेंट स्टेट कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, अपनी प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मतलब कि हम किस पे हैं और किस पे जाने वाले हैं। तो किस पे जाने वाले हैं वो हमारी क्या बन गई, नेक्स्ट स्टेट बन गई। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट इस तरीके से लिख लो। तो पीएस मतलब प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जैसे n प्लस वन लिख देते हैं यहां पे, n और n जीरो लिख सकते हो या प्लस प्लस, जैसे मर्जी आप लिख लो। तो एटलीस्ट आपको ये बताओ कि रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टेट मेरी q1 q0 आ गई, मतलब आउटपुट मेरी जो है वो क्या आ रही है, पहले 0 0, उसके बाद हम पहुंच गए 1 पे, 1 के बाद 3 पे, 3 के बाद 2 पे, और 2 के बाद हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इस सीक्वेंस को यूज करना है। अब प्रेजेंट स्टेट में हमें पता है कि मेरी स्टेट्स कितनी है, टोटल 4, 0 1 2 3। तो मैं इसको सिंपल यहां पे ऐसे लिख देता हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, सिंपल। मतलब इसमें कई स्टूडेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई स्टूडेंट करते भी ऐसे कि जैसे मैंने 0 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद आप 0 1 पे चले गए, तो यहां पे आप क्या करते हो, 0 1, फिर आप यहां पे 0 1 0 1 के बाद आप 1 1 पे चले गए, मतलब 3 पे चले गए, तो फिर आप 1 1। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे मर्जी। आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि प्रेजेंट स्टेट में आप सिंपल कॉम्बिनेशन में लिख लो। मतलब चार आपको पता है कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो फ्लिप फ्लॉप हैं तो चार कॉम्बिनेशन लिख लो, 0 0 0 1 1 0 1, बस इसको एज इट इज लिख लो। अब नेक्स्ट स्टेट को लिखने के लिए आप इस सीक्वेंस में से देखो, देखो आप कहां पे हो, प्रेजेंट स्टेट जीरो पे, और उस पे आप चले गए नेक्स्ट वन पे, तो यानी जीरो वन। अब देखो नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, जीरो वन, जीरो वन से आप चले गए थ्री पे, मतलब वन वन पे, तो वन वन। नेक्स्ट स्टेट देखो कौन सी है, हमें इसको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, पहले सारे लिख लो, इसको देख के नेक्स्ट सीक्वेंस को देख के आप स्टेट लिखते जाओ। तो नेक्स्ट स्टेट देखो वन जीरो पे है, वन जीरो से, वन जीरो मतलब ये वाला टू, तो टू से हम कहां पे चले गए, जीरो पे, यानी हम जीरो जीरो पे चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, वन वन, वन वन मतलब ये वाली, इससे हम कहां पे जा रहे हैं, जैसे ही क्लॉक पल्स लगाएंगे कहां पहुंचेंगे, टू पे, मतलब वन जीरो पे पहुंच जाएंगे। तो बस इसको देख के और सीक्वेंस की हेल्प लेके आप पहले नेक्स्ट स्टेट लिख लो। नेक्स्ट स्टेट लिख ली, हमें पता लग गई कि प्रेजेंट ये है, जैसे ही क्लॉक लगाएंगे ये नेक्स्ट स्टेट मेरी, नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगी। अब मेरे दो फ्लिप फ्लॉप है डी,
तो यानी ऑब्वियसली दो इनपुट्स होंगी, एक तो डी वन होगी और एक क्या होगी मेरी डी नॉट होगी। तो यहां पे याद रखना एम एस बी आप इस तरीके से लेके चलो कि ये मेरी क्यू वन क्या है, एम एस बी है, ये एल एस बी, एम एस बी एल एस बी, एम एस बी एल एस बी, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में लेके चलना, नहीं तो ना स्टूडेंट एल एस बी और एम एस बी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बट गाइज अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखो अगर हम लेके चल रहे हैं जीरो जीरो वन, देखो मैं यहां पे अगर लेट से सिंपल ले रहा हूं जीरो जीरो वन, अब इसमें लेट से ये मेरी क्या है एल एस बी है, ये मेरी क्या है एल एस बी और ये मेरी क्या है एम एस बी। अगर आप इसी को जीरो जीरो वन को लेट से ये मेरी एल एस बी ले लो और ये मेरी एम एस बी ले लो, तो इसकी वैल्यू तो वन होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चार हो जाएगी, तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बड़ा ध्यान से एक ही सीक्वेंस में चलना, तो ये मेरी एम एस बी एल एस बी एम एस बी एल, अगर तीन का भी बना रहे हो तो क्यू टू क्यू वन क्यू नॉट, ठीक है, चार का बना रहे हो तो क्यू थ्री क्यू थ्री Q3, Q2, Q1, Q0, अब इस तरीके से चलते जाना। चलो अब हमने क्या करना है यहां पे, ये जो D1 और D0 की वैल्यू लिखनी है। अब देखो आपको पता है मेरी प्रेजेंट आउटपुट ये है और हमें नेक्स्ट आउटपुट ये लेके आनी है, मतलब प्रेजेंट में Q1 की आउटपुट अगर ये है तो हमें इस पे लेके जाना है, मतलब हमें कैसे इसको एक्साइट करना पड़ेगा, कैसे हमें फ्लिप फ्लॉप को एक्साइट करना पड़ेगा कि ये यहां से यहां पे चला जाए, एक्साइटेशन यूज करना पड़ेगा। किसका, हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी का एक्साइटेशन टेबल, तो हमें पता है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, उसमें डी का जो एक्साइटेशन टेबल क्या होता है जीरो वन जीरो वन, ठीक है, तो ये डी का एक्साइटेशन टेबल यूज करते हैं जी। अब देखो D1 लिखना है, D1 के लिए हम Q1 और Q1 प्लस इन दोनों की हेल्प लेंगे, Q1 और Q1 प्लस, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इसकी हेल्प लो, ये देखो जी Q1 एंड Q1 प्लस की हेल्प लो, दोनों बिट्स को देखो 00 00 00 00 के केस में क्या देता है जीरो देता है, तो सिंपल इसको जीरो लिख लो, ये जीरो और ये जीरो। अब देखो जी 01 01 के केस में क्या देता है वन देता है, तो यानी ये लिख लो, ये देखो जी 10 10 का एक्साइटेशन डी का जीरो, लो जी ये जीरो, देन वन और ये वन, ये वन और ये वन, वन वन के केस में क्या देता है वन वन के केस में वन देता है, तो पहले तो आप इस तरीके से इसको लिख लो, ठीक है। अब वही आप नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट मतलब ये वाला आपका Q जीरो एंड क्यू जीरो प्लस, ठीक है, तो डी नॉट हम लिखेंगे जीरो एंड वन, ये देखो जी जीरो एंड वन, तो जीरो एंड वन के केस में क्या देता है वन, तो यहां पे वन लिख लो, वन 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 के केस में क्या देता है वन, तो लिख लो जी जीरो 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 के केस में क्या देता है जीरो, लो जी वन जीरो, ये वन और ये जीरो, ठीक है, तो वन जीरो के केस में क्या देता है ये जीरो, तो लो जी पहले तो आप इस तरीके से एक्साइटेशन टेबल को यूज करके लिख लो, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि यार मैं इसको एक्साइट करना है इसमें, ये प्रेजेंट है, नेक्स्ट मेरी ये आनी चाहिए, तो मैं डी में ऐसी क्या इनपुट दूं कि ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो एक्साइटेशन टेबल यूज करेंगे, तो हमने करके और इसको डिजाइन कर लिया। अब क्या करना है, सिर्फ अब हमें यहां पे डी वन की इक्वेशन को सॉल्व करना है, डी वन मतलब ये डी वन जो है और ये डी नॉट है, इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप सिंपल भी कर सकते हो, के मैप सबसे बेस्ट है, तो देखो यहां पर डी वन की वैल्यू को लाने के लिए कि डी वन में ऐसा क्या इनपुट दूं, तो इनपुट के केस में आपको पता है कि मेरी इनपुट तो दो ही है Q1 एंड Q0, ठीक है ना, क्योंकि ये तो नेक्स्ट स्टेट में आएगी, प्रेजेंट में मेरी यही एज ए इनपुट यूज हो रही है, ये तो नेक्स्ट में अभी आएगी, जब क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तब आएगी, तो इसीलिए इसको अब यूज नहीं करना, अब सिर्फ इन दोनों को यूज करना है, तो यानी D1 का हम फटाफट से बनाते हैं, तो मेरा Q1 बार Q1, ठीक है, तो Q1 बार Q1 और ये मेरा Q0 बार Q0, ठीक है, तो यहां पे हमें फटाफट से वैल्यूज को पुट करना है, तो देखो जी D1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 कहां पे आ रहा है, 1 1 आपका इस और इस पोजीशन पे आ रहा है, देखो जी 1 और ये 1 यहां पे आ रहा है, मतलब ये आपका 1 और 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 और 3 का मतलब क्या है ये वाली पोजीशन है, तो फटाफट से पेयर बनाएंगे, तो D1 की वैल्यू क्या आ गई Q0 आ गई, ठीक है। अब फटाफट से आप D0 के लिए बनाते हैं, तो D0 के केस में फटाफट से हम के मैप जो है वो Q1 बार Q1 Q0
क्यू नॉट का बार एंड क्यू नॉट, ठीक है। तो देखो जी, डी नॉट के केस में वन वन कहां पे आ रहा है, वन वन आ रहा है पहली दूसरी पोजीशन पे, मतलब पहले जीरो जीरो और वन पे, ठीक है। तो जीरो जीरो और वन पे आ रहा है, तो लो जी इसका पेयर बनाओगे तो डी नॉट हमारे पास क्या आ गया, क्यू वन का बार आ गया। तो ये इक्वेशंस जब आपके पास बन गई, अब तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बस डिजाइन ही बनाना है। तो डिजाइन बनाने के लिए क्या करते हैं फटाफट से, यहाँ पे हम लोग जो है वो दो डी फ्लिप फ्लॉप यहां पे लेते हैं, तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा डी वन क्यू वन क्यू वन का बार, ठीक है। ऐसे ही ये मेरा एक और आ गया फ्लिप फ्लॉप, जिसमें मेरा डी वन और ये डी नॉट, ये मेरा क्यू नॉट और ये मेरा क्यू नॉट का बार, ठीक है। अब ये क्लॉक पल्स है मेरी, इस तरीके से क्लॉक पल्स को पहले ही लगा दो, और ये आपको पता है सिंक्रोनस है तो दोनों एक बार में ही ट्रिगर होंगी, तो ये मेरी क्लॉक आ गई, ठीक है। ये तो आपका सिंपल डायग्राम बन गया। अब देखो जी, डी वन, डी वन में क्या जा रहा है, डी वन में क्यू नॉट जा रहा है, डी वन में क्यू नॉट जा रहा है। तो डी वन में क्यू नॉट का मतलब है ये रही आपकी क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ही आपकी इस तरीके से कनेक्ट रहेगी, क्यू नॉट ही आपकी इस तरीके से कनेक्ट रहेगी। और डी नॉट में क्या जा रहा है, क्यू वन का बार जा रहा है, तो डी नॉट में क्या जा रहा है, क्यू वन का बार, क्यू वन ये रहा तो क्यू वन का बार। लो जी, ये आपका जो है वो सिंक्रोनस काउंटर जो है वो डिजाइन हो गया फॉर दिस सीक्वेंस। तो सिंपल से एग्जांपल से आपको मैंने समझा दिया कि कैसे हम लोग जो है वो सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में टी फ्लिप फ्लॉप को, टॉगल फ्लिप फ्लॉप को यूज करके क्या इक्वेशंस बनेंगी वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक यू जी।